आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी ट्रिक मल्टीप्लाई की जिसके पीछे पांच हो और उनमें अंतर हो 20 का। तो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका 25 ऐसे लिख लेंगे और इससे कम नंबर कम लिख लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लो। अब 7 5s are 35, 35 में 6 ऐड किए तो 41 हमारा आएगा, 41 35 आंसर आ गया। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये 25 आ गया वैसे का वैसा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 लगा लो। अब 4 2 8 8 में 3 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 11, ये हमारा आंसर है। निकाल के देख लो आप, ऐसे ही आएगा। अगर 10 का फ़र्क हो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख लो इनमें 10 का अंतर है, इनके पीछे 5 है तो इनका 75 लगाएंगे हम, 75 लगा लिया तो वही एक नंबर कम लिख लेना है 5, तो 6 5 30 एंड 35 दैट्स आवर आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी 10 का अंतर है तो इसका 75 वैसे लिख लिया, और 4 3 are 12 यहाँ पे कम तो हमारा 15 and 75 आंसर आ गया। अब गाइस इस क्वेश्चन को भी देख लो, इसमें है 20 का फ़र्क है तो हम लिख लेंगे 25, अगर 20 का फ़र्क हो तो 25 लिखना है, अगर 10 का फ़र्क हो तो 75 लिखना है। अब एक नंबर कम लिख लेंगे, 6 6 24 24 5 29 ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान ट्रिक।